भाई हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। दोस्तों आपका बहुत स्वागत है। आपके जीवन में परेशानियां आपका पीछा छोड़ने का नाम नहीं लेती। एक परेशानी खत्म नहीं होती कि दूसरी परेशानियां शुरू हो जाती है, और जीवन में इतनी सारी परेशानियों से हम जूझते रहते हैं कि बस और बस हम उन परेशानियों के समाधान के लिए अपना वक्त, धन, सभी चीज़ें लगा देते हैं। हाँ, परेशानी जीवन का हिस्सा है, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान होना जीवन का हिस्सा नहीं। उससे हमारी लाइफ के सभी चीज़ें बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, हमारी उन्नति रुक जाती है और जीवन में परेशानियाँ बढ़ती जाती है। और ग्रहों के अकॉर्डिंग कौन सा ऐसा ग्रह है कि जिसको हम फोकस कर लें, सही कर लें, तो हमारी कुंडली में, हमें हमारी कुंडली के बारे में विस्तार से कुछ पता हो या नहीं पता हो, तो भी हम हमारी मदद कर सकेंगे। तो सिर्फ इस 2 मिनट के वीडियो में आप ये बहुत ही बारीकी से समझ लेंगे कि आपको किस ग्रह को लिए क्या चीज़ें करनी है, जिससे आपके जीवन में जितनी परेशानी और तकलीफ है, इनसे आपको रिलीफ मिलेगा। और रिलीफ भी बहुत वक्त नहीं लगेगा, 10 से 15 दिन में इस प्रयोग को करेंगे, आपको 10 से 15 दिन के अंदर ही फ़ायदा दिखाई देने लग जाएगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करें, कमेंट्स में भोलेनाथ का नाम लिखें। चाहते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना, स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। सबसे मूल और मूल कर्म ये करना है कि 5 प्रकार के धान लीजिएगा। 5 प्रकार के धान आपके घर में आसानी से मिल जाते हैं, वो धान ले लीजिएगा। उन धानों को एक काले कपड़े में बांधना है। काले कपड़े में बांधने के बाद में अपने घर के किसी भी कोने में उसे रख दीजिएगा। कब तक रखना है? 11 दिन, 10 दिन, 8 दिन, 9 दिन रख दीजिएगा। उसके बाद वो जो धान है, उस धान को हमें मछलियों को खिला दें या कहीं पर गाड़ दीजिएगा। ऐसा करने मात्र से आपकी कुंडली के जितने सारे ग्रह जो आपको नकारात्मक प्रभाव प्रदान कर रहे हैं, उनमें बहुत रिलीफ मिलेगा और आपको बहुत फ़ायदा होगा। ओम नमः शिवाय।